नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित है, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कर्नाटक सरकार के द्वारा रिसेंट में प्राइवेट कंजर्वेंसी रूल्स को ड्राफ्ट किया गया। इन रूल्स को ड्राफ्ट करने का मकसद यह है कि प्राइवेट लैंड पे फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज किया जाए। क्या बोला गया है इन रूल्स में? मान लीजिए ये कोई नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क के साथ लगती किसी की जमीन है 100 एकड़ से ज्यादा, 100 एकड़ से ज्यादा, तो वो पर्सन इस प्राइवेट लैंड को वाइल्ड लाइफ प्राइवेट कंजर्वेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। और इस लैंड पे अगर कोई पर्सन अपनी इस जमीन को, जो नेशनल पार्क के साथ लगती है और जमीन 100 एकड़ से ज्यादा है, उसे वाइल्ड लाइफ प्राइवेट कंजर्वेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन वहां पर 5% तो इको टूरिज्म से संबंधित बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन बाकी जो 95% लैंड होगा वहां पे फ्लोरा एंड फोना को प्रमोट करना होगा। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फोना मतलब एनिमल्स। 95% लैंड पे इनको प्रमोट करना होगा और 5% लैंड पे इको टूरिज्म से संबंधित बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कर्नाटक सरकार के इस ड्राफ्ट का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक्सपर्ट्स का बोलना यह है कि देखो, अगर नेशनल पार्क के साथ लगते लैंड को वाइल्ड लाइफ प्राइवेट कंजर्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है तो वहां पे इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं। आरोप यह भी लग रहे हैं कि हम साउथ अफ्रीका के मॉडल को अपना रहे हैं। हालांकि कर्नाटक सरकार ने अपने इन रूल्स में जो बातें कही हैं वो साउथ अफ्रीका की बातों से थोड़ी अलग हैं, लेकिन फिर भी एसेंस जो निकलता है वो साउथ अफ्रीका के मॉडल जैसा ही निकलता है। तो साउथ अफ्रीका के मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। साउथ अफ्रीका में प्रोविजन ये है कि कोई पर्सन अपने एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि को वाइल्ड लाइफ रिजर्व में कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन है साउथ अफ्रीका में जिसका नाम है ए। ए के पास 200 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है साउथ अफ्रीका में, तो वो चाहे तो अपने इस 200 एकर्स लैंड को वाइल्ड लाइफ रिजर्व में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन से एनिमल के लिए कितना लैंड आपको चाहिए। मान लीजिए लायन के लिए डिक्लेयर कर दिया कि आपको 20 एकड़ लैंड चाहिए, राइनो के लिए कर दिया कि 10 एकड़ लैंड चाहिए और बफेलो के लिए कर दिया कि 5 एकड़ लैंड चाहिए। तो उसी प्रपोर्शन में उस पर्सन के द्वारा जिसके पास 200 एकड़ लैंड है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इस केस में जो एग्जांपल हमने लिया, ए पर्सन के पास कितना लैंड है 200 एकड़ और उसे कन्वर्ट कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, तो देखो एक लायन के लिए जमीन चाहिए 20 एकड़ तो 10 लायंस को, 10 शेयर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ए पर्सन के द्वारा अपने वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, क्योंकि टोटल जो जमीन है वो 200 एकड़ और एक लायन के लिए चाहिए 20 एकड़। उसी प्रकार से राइनो के लिए चाहिए 10 एकड़ तो कम से कम 20 राइनोज इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं ए पर्सन के द्वारा अपने वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। तो इस प्रकार से काम करती हैं चीजें साउथ अफ्रीका में। और बाद में देखो क्या होता है, मान लीजिए किसी प्राइवेट पर्सन ने, यही एग्जांपल फिर से लीजिए, ए पर्सन ने अपने 200 एकड़ के लैंड को वाइल्ड लाइफ रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया और वहां पे कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी इंट्रोड्यूस किए परचेज करके, खरीद के, तो ए पर्सन के द्वारा अपने इस प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व में ट्रॉफी हंटिंग करवाई जाती है। ट्रॉफी हंटिंग क्या होती है? देखो बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो काफी अमीर हैं, उनको शिकार करने में मजा आता है, वो शिकार के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तो ए पर्सन बोलेगा कि मेरे प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व में एक लायन है और कोई भी इसका शिकार कर सकता है, जो सबसे ज्यादा पैसे मुझे देगा वो मेरे प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व में आके उस शेर का शिकार कर सकता है। तो इस प्रकार से पैसा कमाया जाता है साउथ अफ्रीका में लोगों के द्वारा अपने एग्रीकल्चर लैंड को प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व में कन्वर्ट करके। और काफी सारे एनिमल्स जैसे कैप, बुफेलो, राइनो, एलिफेंट, लियोपार्ड, लायन, इन सब का शिकार होता है और इससे फॉरेन रिजर्व्स भी हासिल होता है, बहुत सारा रेवेन्यू हासिल होता है। तो सरकार भी कुछ नहीं बोलती इस चीज पर। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के खिलाफ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के जो ओनर्स होते हैं वो अपने प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से ट्रीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है साउथ अफ्रीका का, ये एग्जाम्पल है, वहां पे एक हाथी बहुत ज्यादा उग्र हो गया, अपने आप से बाहर हो गया, लेकिन ओनर्स ने उस हाथी को गोली मरवा दी
और हाथी का जो शव था वो काफी महीनों तक वहीं सड़ता रहा उसी प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। एक दूसरा इंस्टांस भी यहां पे दिया हुआ है, एक लाल हार्ट बीस्ट हिरन होता है, उस हिरन में एक ट्यूमर डेवलप हो गया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो ट्यूमर था ही नहीं, वो सिर्फ ग्रास डिपॉजिट हो गई थी उस हिरन के अंदर, और आसानी से किसी भी वेटनरी डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज किया जा सकता था, लेकिन उस हिरन को भी गोली मरवा दी गई। तो इस प्रकार से काफी वाइल्ड लाइफ एट्रोसिटीज करते हैं प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व के ओनर्स। आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखो, प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो होते हैं उनकी फेंसिंग होती है, यानी जो एनिमल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, तो ये वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल बिहेवियर के अगेंस्ट हैं। और कई बार प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो होते हैं वो दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं, एक लायन वाला सेक्शन यानी शेर वाला सेक्शन और दूसरा नॉन लायन सेक्शन। ये भी फूड चेन के अगेंस्ट है, क्योंकि देखो नॉन लायन सेक्शन में लायन तो होगा नहीं, इसलिए दूसरे जो एनिमल्स हैं फॉर एग्जांपल हिरन, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हिरन को खाने वाला कोई भी नहीं होगा नॉन लायन सेक्शन में, तो फूड चेन यहां पे डेवलप नहीं हो सकेगी ठीक से। नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्फा से संबंधित। देखो, अल्फा से संबंधित कंसेप्ट को थोड़ा सा बता देता हूं। किसी भी एनिमल की जो स्पीसीज होती है वो सोशल ग्रुप की तरह रहती है। मान लीजिए ये एक सोशल ग्रुप है गोरिल्लास का, और इस सोशल ग्रुप में एक गोरिल्ला है जिसका नाम है ए, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, वो अपने आप को इस पूरे ग्रुप में सबसे ताकतवर साबित करता है। कैसे ए सबसे ताकतवर साबित कर सकता है इस पूरे ग्रुप में, दूसरे गोरिल्लास को हरा के। और देखो, अगर ए गोरिल्ला सबसे ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है तो ए जो गोरिल्ला होगा वो अल्फा कहलाएगा, समझ गए। तो किसी भी एनिमल के सोशल ग्रुप में अल्फा जो होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है खाने के मामले में, मेटिंग की अपॉर्चुनिटीज के मामले में, क्योंकि बिलीव ये किया जाता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा किसी एनिमल के सोशल ग्रुप में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो अपोजिट सेक्स के साथ मेटिंग करेगा तो बच्चे जो पैदा होंगे वो ज्यादा ताकतवर होंगे और ज्यादा संभावना रहेगी कि वो सर्वाइव कर सकेंगे। इसी वजह से काफी एनिमल्स में होता है ये अल्फा का कंसेप्ट। तो राइटर के द्वारा यहां पर यह बोला जाता है कि जो प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व होंगे उनके आर पार तो फेंसिंग होगी, तो अल्फा इस्टैब्लिश ही नहीं हो सकेगा ठीक से, क्योंकि नॉन अल्फा किसी दूसरे एरिया में जाएगा नहीं, वो बार बार कोशिश करता रहेगा, तो एक अल्फा एनिमल इस्टैब्लिश होगा ही नहीं। ये भी ड्रॉबैक है प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व का। इवन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की पोचिंग यानी इलीगल हंटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। रिजर्व के द्वारा लोगों से बोला जाता है कि आप राइनोस की फोटो लेके उसे जियो टैग मत कीजिए, क्योंकि अगर देखो राइनोस की फोटोज को जियो टैग किया जाएगा तो जो पोचर्स होते हैं इलीगल हंटिंग करने वाले, उनको राइनोस की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी और वो वहां पे आ जाएंगे उनका शिकार करने के लिए। साउथ अफ्रीका के जो गेम रिजर्व्स हैं वो दावा तो करते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके लिए ये सब चीजें बिजनेस हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स को पालते हैं और बाद में उनको गोली मार दी जाती है या फिर गोली मरवाई जाती है ट्रॉफी हंटिंग की फॉर्म में। और अगर देखो पैसा एक मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता तो कोई साउथ अफ्रीका में अपने एग्रीकल्चर लैंड को वाइल्ड लाइफ प्राइवेट रिजर्व्स में या फिर गेम रिजर्व्स में कन्वर्ट क्यों करेगा। तो ये सब कुछ जो होता है वो पैसे के लिए होता है। कर्नाटक के जो रूल्स आए हैं वहां पर भी इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं अगर इन रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।